सोचा भी नहीं था कि हम ये काम करेंगे। बस मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है भाई। हमें इसकी इतनी ज़रूरत है ना, बता नहीं सकते आपको। आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ। ये देखें जी, बेगम ने करेलों की भराई हो रही है, आधा गल बैठ ली है। मैं इसमें घी में डाल दूँगी। अस्सलामुअलैकुम बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। जा रहे फूलों की तरह रास्ते मुस्कुराते रहे और अपने घरों में शाद बांध रहे हैं। आज हम करेले बना रहे हैं। सुबह का टाइम है तो मैंने करेले छील के इनके नमक वगैरह लगा के रख दूँगी, फिर इनको उबाल के पकाना है। आज आपको पता है जैसे कि उबाल के पकाते हैं सारा दिन लग जाता है करेले बनाने में, इसलिए मैं सुबह सुबह लग गई हूँ करेले पकाने बनाने। आज हमारा लोग बहुत अच्छा होने वाला है, रहिए हमारे साथ साथ। हम आज आपके घर की रूटीन शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, बेगम ने करेलों को हल्दी और नमक वगैरह लगा के रख दिया है, तो अभी इनको धोएंगी। क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। सुबह का टाइम है, मैंने नमाज पढ़ी है। जब ट्यूशन जाऊँगी स्पैर भी पढ़ूँगी जाके, और ट्यूशन भी फिर जाऊँगी, ट्यूशन पढ़ के फिर घर आऊँगी, घर आके ऐसे खेलूँगी। ये देखिए जी बहन भाई, आज हमने पकाने हैं करेले भर के। तो ये प्याज मैं काट रही हूँ, प्याज इस ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। इधर प्याज मैंने ग्राइंड कर रही हूँ, ये देख लें, मैं ऐसे ग्राइंड करके डालती हूँ प्याज। ये देखिए मैंने टमाटर और मिर्चों का पेस्ट बना ग्राइंड कर लिया है इस ग्राइंडर में, ग्राइंड किया प्याज किया। ये प्याज के अब इनको मिक्स करूँगी, इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, तो लहसुन डालूँगी, नमक मिर्ची डालूँगी, फिर मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारे 1 किलो मसाले हैं, उनका मसाला बनाने लगी हूँ मैं। 1 चम्मच मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, ये 1 कटोरी बेसन की, ये धनिया और ज़ीरा, और 1 चम्मच नमक की। इनको इसको मैं हाथ से करूँगी मिक्स, ये देखें, फिर करेलों की भराई कर दूँगी। हम ऐसे ही बनाते हैं अपने करेले। अगर बेसन थोड़ा कम लगे या और डाल लें, ये कम लग रहा है बेसन, क्योंकि ये आपस में चिपक नहीं रहे, तो थोड़ा सा मैं बेसन 2-3 चम्मच और डालूँगी। ये करेलों की भराई हो रही है, इसके ऊपर मैं धागा लपेट दूँगी। सुबह से लगी हुई मैं करेले भरने के लिए, छीले हैं फिर धोए हैं, फिर धो के रखा है इनको, फिर मसाला बनाया, सारा दिन लग जाता है। फिर भी कह देते हैं कि क्या बहुत मुश्किल है पकाने। ये देखिए करेले मैंने भर लिए, ये वाला बच गया, इनको भी इसको भी मैं फ्राई करके, जब करेले मेरे पक जाएंगे फ्राई करके करेले में डाल दूँगी, मसाले वाले करेले बन जाएंगे। आधा गल बैठ लिया, अब मैं इसमें घी में डाल दूँगी। ये मसाला जो बना करेलों का वो भूना है मैंने, ये मेरे करेले हैं, और इधर मैं मसाला बना रही हूँ करेलों का। ये टमाटर डाले हैं, तो बच्चे अंदर से मुझे आवाज़ देना भूल गई मैं, तो ये टमाटर डाले अब इनको भूनूंगी, जब ये अच्छी तरह गल जाएगी फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। इसमें नमक मिर्च डाली है और प्याज डाले, और टमाटर डाले, सॉरी टमाटर डाले। ये देखिए बहन भाई, हमारा सालन पक के तैयार हो गया। ये करेले, ये मसाला, ये हंडिया में करेले पड़े हैं, क्योंकि गैस चली गई थी तो फिर चूल्हे पे आग जलाई है, उधर पकाए हैं। तो भाई आपको पता है, जब दोपहर का वक्त हो और चूल्हे पे आग जलानी हो, करेले पक के तैयार हो गए हैं। इधर सालन डाल दिया, इधर ये हंडिया में पड़ा है। तो जब पक गए थे हमने आपको नहीं दिखाया इसलिए नहीं कि हमारी गैस चली गई थी। जब गैस चली जाती है तो फिर आपको पता है, दोपहर का वक्त और गैस चली जाए तो फिर तो इतना बुरा हाल हो जाता है। गर्मी की वजह से धूप भी इतनी ज़्यादा थी पाए, तो फिर मैंने बच्चों को रोटी तो पका के देनी थी, फिर रोटी पकाई है, चूल्हे में आग जला के फिर हंडिया भी पकाई है, मसाला भूनने वाला रह गया था, बाकी सारा काम हो गया था। फिर आग जलाई, मसाला भूना, फिर रोटी बनाई, फिर तो हो गया दिमाग खराब।
हमारी सुबह की रूटीन शुरू हो गई है। ये तो मैंने पेड़े कर लिए गैस आज, ये देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गई, ना रात आई है ना कल दोपहर आई है, आ जाइए थोड़ी थोड़ी वो भी है। तो साहब चले गए दुकान पे, तो मैं बना रही हूँ नाश्ता, जिस बहन भाई ने नाश्ता करना हो आ जाए नाश्ता कर ले आके, बच्चे कोई उठे हैं कोई अभी सोए, पहले उठ गया निहान भाई अंदर जाके सो गए। चलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, हम सब ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे। हम सुबह उठे थे, नमाज पढ़ी थी, सुपारा भी पढ़ा था और आके सो गए थे। अब नाश्ता करके जाएंगे दुकान पे, दुकान से आएंगे फिर ट्यूशन जाएंगे। ये देखिए हमारे भाई नाश्ता कर रहे हैं, चाय और अचार और रोटी, और रिहान भाई भी नाश्ता कर रहे हैं चाय के साथ और यहाँ रोटी के साथ। कि मेरे ये करेले हैं, करेले और करेले की नाश्ता कर रही है, रोटी खा ली है, इधर हमारा मन बैठा है, ये नाश्ता कर लिया, बस चाय पी रहा हूँ। ये दुकान पे जाएंगे फिर इनके बाबा आएंगे तो नाश्ता करेंगे, जैसे बस काम है नहीं तो फिर इसलिए सुबह सुबह चले जाते हैं, तो चलो कोई काम आ जाएगा घर का, कोई निज़ाम सीधा हो जाएगा, गर्मी भी इतनी होती है। बहन भाई आज जुमा है, सब बहन भाइयों को मैं मेरी तरफ से जुमा तो मुबारक। तो ये मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, मैंने के दिन ही सारे कपड़े इस्त्री करके रख लेती हूँ, साहब के दो तीन जोड़े कर लेती हूँ, बच्चों के कर लेती हूँ, तो ये मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। फिर बच्चे स्टेशन गए हुए हैं, आएंगे और आके पढ़ेंगे, आगे ना आएंगे जो पढ़ने जाएंगे। ये देखे कपड़े सारे इस्त्री करने वाले पढ़े, इधर इधर मशीन रखी हुई है, किसका कपड़ा उधड़ा हो फटा हो वो साथ साथ में सी भी लेती हूँ और फिर इस्त्री भी कर देती हूँ। बर्तन तो सफाई की, किचन की, किचन की सफाई की थी तो साथ भी मैंने ना वो मसल रख दिए थे ऊपर, मेरे को गैस तो आती नहीं तो इसलिए मैंने मसल भी रख दिए। अभी इनको तड़का लगाना है, वैसे पक रहे थे, ये देखिए आज मैंने मसल पकाए हैं, अभी इनको कुछ किया नहीं है, तड़का लगाना है अभी। ये कल हमने चार डाला था वो भाई असलम वालों का, कितना मज़े का चार है, देख कितना प्यारा कलर है इसका, ये देख रहे हम दे रही हो, चलो साफ ही है बिल्कुल, उधर कूड़ा बिछा हुआ था वो सुबह मैंने इकट्ठा कर लिया था। दस्ती कर रही हो, लेकिन आज ये साफ सुथरा कर लिया क्या कमरा, जहां बच्चे आएंगे ट्यूशन से आए हाँ, फिर तो कमरों का आशन क्या करना है, बच्चों ने कोई चीज इधर फेंकनी है तो कोई उधर फेंकनी है, बस इस कमरे की सफाई कर ली है मैंने, ये कपड़े वगैरह उठा लिए है, चादर बिछा ली है, तुम्हें झाड़ू दे लिया था, ये हमारी फ्रिज है इकलौती, ये भी आज दिन खराब हो ही रहती है, अल्लाह तला जब हमें पैसे देगा ना तो हमें अपनी फ्रिज लेंगे, पर फ्रिज बाहर से तो इसकी शक्ल अच्छी है, अंदर से बहुत खराब है, बाहर से इसकी शक्ल अच्छी है, अंदर से बहुत खराब है, अंदर से टूटी फूटी पड़ी है, देखिए बाहर से कितनी खूबसूरत है, सीरत अच्छी है, सूरत सूरत अच्छी है, सीरत नहीं अच्छी इसकी। जब हमारा चैनल के पैसे आएंगे ना, पहले हमें मस्जिद का काम करवाना है, फिर हमें अपनी फ्रिज लेनी है, फिर और भी काम इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आप बहन भाइयों का साथ होगा तो इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी हमारा चैनल की अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, तो हमारे काफ़ी काम करने वाले पड़े हैं तो वो हो जाएंगे हमारे काम। हम अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, फुल वॉच किया करें, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, यकीन करना बहन भाइयों हमें इसकी इतनी ज़रूरत है ना कि हम बता नहीं सकते आपको। तो कोई मजबूरी में अपना चैनल बनाता है, ऐसे तो कोई नहीं बनाता, हमने कभी नहीं
सोचा भी नहीं था कि हम ये काम करेंगे। बस मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है। आज आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो फुल देखें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।